अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम कमीज की और ट्राउजर की कटिंग करेंगे। उसके नीचे घेरे पे हम बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन बनाएंगे और उसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होंगे, आपको ना ही कोई चीज़ बाजार से लानी पड़ेगी। आपने आपके पास जो कपड़ा है आपने उसी की मदद से उसका बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने मेरी वीडियो का एंड तक देखना है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ये देखिए, ये हमारे पास है शर्ट का कपड़ा। ये देखें, ये हमारे पास शर्ट है। हमने इसको प्रेस करके इसकी ग्रेस बना ली। ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास शर्ट है। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको अच्छे से सेट करना है सबसे पहले, ठीक है, ऐसे करके सेट कर लेना ताकि हमारी कमीज के अंदर कहीं भी फर्क ना आए, ठीक है। ऐसे करके अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये तीरा हमारे पास है इसका 14 इंच। ये देखें, 14 इंच, ये हमारे पास तीरा इसका 14 इंच है। मैंने यहाँ पे इसको लाके यहाँ पे इसका निशान लगा लिया। ये देखें, यहाँ पे निशान लगा लिया। और कंधा हमारे पास इसका 8 इंच है। ये देखें, 8 इंच मैंने यहाँ पे लगा के इसको निशान लगा लिया। और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लूंगी इसका। ये देखें, ऐसे करके मैं इसका बॉक्स बनाऊंगी। आपने ऐसे भी बना लेना है, ठीक है, आपने ऐसे करके बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पे 1 इंच के फासले पे तकरीबन यहाँ पे ऐसे करके आपने इसको गहराई दे देनी है, गुलाई, ठीक है। ये देखें, ऐसे करके आपने इसको गुलाई कर देनी है। ये देखें, हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपने 2 पीसों को उठाना है और इसकी कटिंग करनी है। ठीक, और आपने 1/2 इंच ऊपर से तिरछा नुमा इसको काट देना है। अब हमारे पास चेस्ट जो है 17 इंच है। ये देखिए, मैं 17 इंच पे लाके इसको निशान लगा दूंगी। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल समझ आएगा और आपने इसको ट्राई भी जरूर करना है। ये देखिए, यहाँ पे हम इसका कट लगा लेंगे, ठीक है, ये कट लगा लिया। कट लगाने के बाद यहां से हम इसको, ये देखिए, ऐसे करके इसकी शेप बनाएंगे। ये कटिंग हमारी परफेक्ट दर्जियों वाली है। इसे इसकी कटिंग का करने का मकसद ये है कि ये देखिए, हमने ये इसको डीप गहरा कर दिया और इसको बढ़ा के काटा। इसे एक तो हमारे कमीज में छोल नहीं आएंगे और दूसरा बहुत ही प्यारे कमीज पीछे नहीं जाती। अब हमने इसको तकरीबन 1/2 से कम जो है हम इसको बढ़ा के काटेंगे। ठीक है, अब इसकी लेंथ हमें चाहिए। ₹39 हम इसको 40 रखेंगे। ये देखिए, 40 पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, चाक हमें चाहिए इसके 11 इंच। यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, 11 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी कमर जो है वो हम 13.5 पे यहाँ पे लाके इसकी गुलाई शेप देंगे। कमर जो है हमारे पास 15.5 इंच है। ये देखिए, 15.5 इंच पे मैंने ऐसे करके इसको कर लिया। ये देखिए, ऐसे करके। और दामन हमारे पास इसका है 18 इंच। ये देखिए, 18 इंच यहाँ पे भी हमने ऐसे करके निशान लगा लिया। ये देखिए, हम यहां से इसकी कटिंग करते आएंगे, इसकी शेप बनाएंगे। ठीक है, ये हमने शेप बना ली। यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे कमर पे और यहाँ दामन पे भी हम कट का निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह हम नीचे वाली साइड पे भी इसका निशान लगा देंगे यहाँ पे। अब पिछला गला जो है वो हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, 2.5 इंच
यहाँ पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लगाने के बाद 2.5 3 3 हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको हम बिल्कुल राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हम कट का निशान लगाएंगे जो हमने अपना गला 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 बनाना है। ये हमारी कमीज की कटिंग हो गई। ये देखें, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इसका डिजाइन कैसा बनाना है, बहुत ही प्यारा सा। हमने कमीज के कपड़े को और शलवार के कपड़े को अटैच करके इसका यहाँ पे हल्का फुल्का सा डिजाइन बनाएंगे, बहुत ही प्यारा बनेगा इंशाल्लाह। उसके लिए ये देखें, हमारे पास इसका व्हाइट ट्राउजर है, उसके अंदर से हमने ये कपड़ा लिया। कपड़ा लेने के बाद ये देखें, हमने तकरीबन ये देखें 2 इंच हमने चौड़ाई में, 2 इंच लंबाई में इसको काट लिया। काटने के बाद हमने इसको ऐसे करके प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद फिर एक बार इसको ऐसे करके फोल्ड कर लिया। ये देखें, ऐसे करके फोल्ड कर लिया। ये हमने ऐसे करके बना ली। ये देखें, हमने ये बहुत सारी इसकी बना ली है। ऐसे करके बनाने के बाद हमने इसको यहाँ पे कैसे अटैच करना है, ये देखें, हम इसको ऐसे करके यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें, ऐसे करके यहाँ पे हम ऐसे करके 3 3 लगाएंगे। ये देखें, ऐसे करके हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। ऐसे करके 3 3 लगाने के बाद हमारे पास एक जो कमीज का कपड़ा है वो भी हम यहाँ पे 3 हुक यहाँ पे लाके फासले पे हम थोड़ा सा गैप देंगे। गैप देने के बाद हम यहाँ फासले पे इसके ऐसे करके फासले पे ये हुक से लगाएंगे। ये हुक से लगाने के बाद, 3 लगाने के बाद फिर से हम इसी तरह सेम इसी तरह यहाँ पे ये ऐसे करके इसको बनाएंगे, इस तरह करके लगाएंगे अंडरग्राउंड। ये देखें, ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। इस पे आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आप अपने ही कपड़े से आप इसकी बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी और आपने ट्राई भी जरूर करना है। इसी तरह हम यहाँ पे 2 3 हुक लगाएंगे। 3 हुक लगाने के बाद सेम नीचे भी हमने ऐसे ही बनाना है, पिछली साइड पे भी हमने ऐसे ही बनाना है। ये देखें, ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे करके, ये देखें, ये ऐसे करके, ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा, हमारे व्हाइट ट्राउजर के साथ बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब हम इसके बाजुओं की कटिंग करेंगे। ये हमारी तो कमीज तो कट गई, अब हमारे पास है इसके बाजू। ये देखें, ये हमारे पास है बाजुओं का कपड़ा। दरमियान में हमारे इसका जोड़ आएगा, हमने वो लगाना है। ठीक है, दरमियान में हमारे जोड़ आएगा, वो हम लगाएंगे। इसकी लेंथ हमने रखनी है बाजुओं की 20 इंच, बाजू 20 इंच, और उसके लिए हमें 1.5 इंच बड़ा चाहिए, 21.5 इंच चाहिए, क्योंकि 1 इंच हम आगे से फोल्ड करेंगे और 0.5 इंच हमारा कंधे की सिलाई में आएगा। अब हमने यहां से तकरीबन 2 इंच के फासले पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है और हमने इसको ऐसे करके शेप दे देनी है कटिंग के लिए। ठीक है, ऐसे करके कटिंग के लिए शेप दे देनी है और आगे से हमें बाजू खुले चाहिए 4.5 इंच। ये देखें, 4.5 इंच, उसके लिए हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और अब कंधा, ये देखें, हम असलाई का हक छोड़ देंगे। कंधा हमें चाहिए 8 इंच, ये हमारा यहाँ पे निशान आएगा। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा जो चाहिए वो हमें इतना चाहिए, ये देखिए, हम इस निशान को इस निशान पे लाके ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ये देखिए, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, हम ऐसे करके इसकी ठीक है, ये ऐसे करके, और यहां से हम इसकी ऐसे करके गहराई के साथ और हम इस यहाँ पे कट लगा देंगे। देखिए, सिंपल वे में मैंने आपको इसका तरीका बता दिया। देखिए, हमारी कमीज बिल्कुल कट के तैयार हो गई। हमने आपको डिजाइन भी बता दिया। इसको जरूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।